कोई कहता है अंडा पहले आया तो कोई कहता है मुर्गी, लेकिन ये जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। लेकिन मैं मौजूद हूँ शहर कायद में, एक ऐसी जगह जो कि अंडा मोड़ के नाम से जानी जाती है। तो आइए इधर के लोगों से पूछते हैं कि इस जगह को अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है। मेरे पीछे दिखने वाला मोड़ जो कि अंडा नाम से मशहूर है, तो लोगों से इधर पूछेंगे कि इसकी क्या वजह है, इसको अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है, अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है इस जगह को। भाई ये जैसे मेरा मतलब नजरिया है कि इसको ना मैप से देखते हैं ना, ये अंडे की शेप में आते हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा, गोल शेप में आते हैं, अंडे की शेप में, गोल नहीं, बेसवी शेप में आते हैं। अच्छा, अंडे की शेप में आता है, मतलब ऐसे करके। हाँ, जैसे अंडे की शेप होती है ना, ये वैसे ही तरह नजर आ रहा है। अच्छा, इसको हाफ फ्राई मोड़ क्यों नहीं कहते? मैं नहीं बताऊंगा। ये तो ऑमलेट क्यों नहीं कहते? ये तो पता नहीं, जैसे बाबा मोड़ कहा जाता है। हाँ ना। अच्छा भाई, एक बाबा मौजूद है हमारे साथ। बाबा ये बताइए कि इस जगह को अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है? ये तो जमाने से कहा जा रहा है अंडा मोड़। कितने जमाने से कहा जा रहा है? तकरीबन मेरे हिसाब से तो 40 जब से पाकिस्तान आजाद हुआ। अच्छा, ऐसा तो नहीं है किसी को अंडे पड़े हो? नहीं नहीं, अंडे नहीं पड़े। बड़े हरामी हो बेटा। अच्छा, ये डंडे पड़ते, अंडे नहीं पड़ते। अच्छा, फिर क्यों अंडा मोड़ कहा जाता है? बस ये अंडा बना हुआ था, ये ऐसा मोड़ था कि अंडा बना हुआ था। अच्छा, तो घुमा दिया, पहले अंडा नुमा बना हुआ था, इसलिए अंडे मोड़ के नाम से जाना जाता। चाचा महफूज। अरे क्या हो गया भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अल्लाह महफूज हैं आप? किस चीज से महफूज हैं? हर चीज से महफूज, हर चीज से महफूज हैं। महंगाई से? महंगाई ने तो कहां पर। हां हां, महफूज भाई ये बताओ कि अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है जगह को? अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है जगह को? तो इस जगह को अंडा मोड़ यूँ कहा जाता है कि पहले इससे आगे ये चुरंगी का नाम लगा, पहले इधर आगे जाके पहले थी अंडा मोड़ पे थी चुरंगी बनी हुई थी नाजिस परेड के बाद। अच्छा, वहाँ थे अंडे। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। कुछ भी, कुछ भी। अच्छा, अंडे का, अंडे, अंडे का कारोबार होता था। अच्छा, तो इसलिए अंडा मोड़ चुरंगी लग गई थी। अंडा मोड़ चुरंगी। तो सर ने देखा, बाबा को देखा, बाबा बेचते थे अंडे, बहुत मशहूर। बाबा बेचते थे अंडे, देते थे? नहीं, पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। नहीं, बाबा बेचते थे। बेचते थे मतलब देते नहीं थे, बेचते थे? हाँ बेचते। नहीं, देते होंगे ना यार, हमारे को लेने आया तो हाँ हाथ में देते होंगे। शाबाश बेटा। हमने तो सुना है कि यहाँ कोई मुर्गी अंडा देके जाती थी, लोग इसलिए बोलते हैं। नहीं, चोरी देख के जाती होगी तो वो वाला। अच्छा, आपने कभी देखा? हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? कितने टाइम से यहाँ पर? हम लोग तक 15-16 साल हो गए। अच्छा, कभी किसी को अंडे पड़ते हुए तो नहीं देखे? नहीं नहीं नहीं, मार पड़ती हुई देखी। मार पड़ती हुई? डंडे पड़ते हुए देखे, अंडे पड़ते हुए नहीं देखे। जी जी, ठीक, अंडे महंगे हो गए ना भाई, इसलिए नहीं पड़ ले। असलाम चाचा। वालेकुम सलाम चाचा। इस जगह को अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है? ये गोल है, यहाँ से रोड निकलता है, इधर भी इधर भी। हम भी छोटे से उस वक्त सुनते आ रहे हैं इसको, अंडा मोड़ है, अंडा मोड़ है। ये गोल है ना, जिससे 5-6 रोड निकलते हैं इससे। अच्छा, एक इधर गया, एक इधर गया, एक ये गया। तो अंडे में भी क्या 5-6 रास्ते निकलते? वो गोल है ना वो तो। अच्छा, अंडा तो गोल है, अंदर गोल है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि अंडे तो नहीं है, डंडे बहुत पड़ते हैं भाई। जुर्म करें डंडे पड़ेंगे। अच्छा, जुर्म करेंगे और डंडे पड़ेंगे। अंडे पड़ नहीं सकते क्योंकि अंडे महंगे हो गए। अंडे महंगे हो गए। क्या बेच रहे हो पहले तो ये बता दो। हमारे पास बिरयानी होती है और करता हूं। आपको पता है आजकल बिरयानी बेचने वालों को पकड़ा जा रहा है? नहीं, ये तो नहीं। कह रहे गधे का गोश्त मिला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? हमारे पास चिकन होता है, चिकन का गोश्त है। अच्छा, ये बताओ कि इस जगह को अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है? इस जगह को अंडा मोड़ इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे अंडों की फैक्ट्री होती थी, बड़ी वाली। अच्छा, बहुत बड़ी, बड़ी वाली, इस वजह से अंडा मोड़ कहा जाता है। अंडों की फैक्ट्री होती थी, बड़ी वाली, ठीक है, इस वजह से अंडा मोड़ कहा जाता है। ऐसा तो नहीं यहाँ कोई अंडे वंडे पड़ते हो लोगों को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमें तो यहाँ बताया गया है कि मुर्गी आती थी, एक कुड़क हो गए, कुड़क कुड़क होती है ना, वैसे आती थी और अंडा लेके जाती थी यहाँ पे, इस वजह से इसको अंडा मोड़ कहा जाता है। कभी देखा मुर्गी को? मुर्गियाँ तो बहुत देखी। नहीं नहीं, अंडा देता हुआ देखा? हाँ हाँ बिल्कुल। मुर्गियाँ तो मोटी मोटी भी देखी होंगी, हर किस्म की देखी है, लेकिन यहाँ पे ना फैक्ट्री। अच्छा भाई, हर किस्म की मुर्गियाँ देखी है इन्होंने। अरे कहना क्या चाहते हो? मोटी मोटी भी मुर्गियाँ देखी, यहाँ पे अंडों की फैक्ट्री होती है। अच्छा, इस वजह से अंडा मोड़ का यार। चलो ठीक, अंडा मोड़ को अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है? इस बात को अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है? पहले यहाँ पे होते थे मेरे भाई पोल्ट्री फार्म। अच्छा, सही है, पोल्ट्री फार्म। हाँ, फार्म नहीं, फार्म फार्म फार्म, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो है ना तकरीबन अंडे ज्यादा दस्तियाब होते थे, ठीक हो गया। इसकी वजह से जो है ना इस चुरंगी का नाम अंडा मोड़ रख दिया गया। शादी ब्याह के हार फूल बनाता है? जी भाई, मोमबत्ती बनाता है? बिल्कुल भाई, चादर वादर, पत्ती वत्ती, अरबी गुलाब। किसी को भी चाहिए हो, शादी के लिए हार चाहिए हो, कवर के लिए फूल चाहिए हो, भाई से रब्ता रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं चाचा? क्या दर्जन कह रहे हैं केले?
इतना 60 रुपए केले वाला 60 रुपए दर्जन। केले ले लो केले। आवाज मार के दिखा दो चाचा एक आवाज। 10 के 12 केले, 60 के 12 केले। अंकल बोल नहीं रहे कुछ। अंकल इधर को अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है? हैं? कुछ तो बोलो, क्या खा रहे हो मावा? आ करके दिखाओ। आ तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? इस जगह को अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस जगह को अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है? भाई जान पीछे जो है ना इसी रोड पे आगे जाओगे तो कट आता है, वहाँ पर एक होते थे अंकल सरदार, उनका वहाँ एक अंडे का बहुत बड़ा गोदाम होता था, एक कारखाना होता था। अच्छा। उस जगह का नाम था अंडा मोड़। यहाँ से यू की गाड़ी, यू बस गुजरती थी मजदा, यू नंबर की, उसपे जो भी आगे से बैठता था ना वो बोलता था यार वहाँ उतारना अंडे के गोदाम के पास। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इस जगह का अंडा मोड़ नाम मशहूर हो गया। असल में इस जगह का नाम हबीबिया चौक है, ये मस्जिद है सामने हबीबिया, हबीबिया चौक है। आज से 30 साल पहले पीछे अंडे का गोदाम होता था, उसकी वजह से ये अंडा मोड़ मशहूर हो गया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। देखो भाई अफजल भाई अंडा मोड़ पे फूड वाले कम से कम सबसे बेहतरीन बात इन्होंने बताई है कि इस बात को, इस जगह को अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है कि कोई भी बंदा आगे से या कहीं से भी आ रहा होता था, एक गाड़ी चलती थी यू की गाड़ी, तो जिसको भी यहाँ पहुँचना होता था वो यही कहता था भाई अंडा मोड़ तक जाना है, ऐसा ही है। तो इस जगह का नाम इसलिए अंडा मोड़ रख दिया गया। बाकी जितने भी लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं वो उनके क्या थे वो वही जानते हैं और अल्लाह जानता है, पर असल बात इन्होंने हमें बताई है। अच्छा पहले जो ये अंडा मोड़ के नाम से था, पर अब आप रोड की हालत देख लीजिए, ठीक है ना, ये रोड टूट चुका है बिल्कुल, तो ये खड्डा मोड़ के नाम से इसको अब लोग पहचानने के भाई खड्डा मोड़, कुछ दिनों में इसको इसका नाम हो जाएगा खड्डा मोड़, क्योंकि सारे जो है ना वो रोड टूट चुके हैं। आप देख लें कि जो राइट से आ रहा है जो लेफ्ट से आ रहा है इसका बेड़ा गर्क हो गया है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? आप जमाल भाई ये बताइए कि इस जगह को अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है? अंडा मोड़ जी जी अंडा मोड़ भाई ये यूँ किया जाता है, नागन से गाड़ी आ रही थी। अच्छा एक बार का अंडे का गोदाम था जी जी, यहाँ पे आके ना टायर टूट गया, अंडे सारे बिखर गए। कुछ भी अच्छा इसके नाम अंडा तोड़ होना चाहिए, अंडा मोड़ फिर थोड़ी होना चाहिए, अंडा टूट गया था ना। अच्छा तो अंडा तोड़ होना चाहिए ना, लोग कहते अंडा मोड़ मोड़। अच्छा एक दिन में बात आई है, बोलो तो जबा और होटो तक ले आऊं। चश्मा बहुत प्यारा लग रहा है, चश्मा ले लिया फोटो, एक दफा उतार के दिखा दे फोटो। अच्छा अंडा तोड़ है इसका मतलब? अंडा मोड़। हमने सुना है कि इधर कोई मुर्गी आती थी जो अंडा देके जाती थी, अब थोड़े तो फालतू है भाई, ये फालतू बात है। एक गाड़ी आ रही थी जो के गाड़ी में अंडे थे, अंडा गिर गया और टूट गए। टूट गए। इस जगह का नाम है अंडा तोड़, अंडा मोड़। अंडा मोड़। तो आपने बोला अंडा तोड़, अंडे टूट गए, ये खड़ा ना भूल, अंडा मोड़ बोल रहा है। अंडा मोड़, अच्छा भाई अंडा मोड़ है। वालेकुम सलाम। कंप्लेन आई है आपकी, किस चीज की? कि आपने वो मुर्गी को काट दिया है जिसने यहाँ पे अंडा दिया था, जिस नाम से जाएगा नाम रखा गया था अंडा मोड़, आपने उस मुर्गी को काट दिया। ऐसा कुछ है? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। काट के बेच दिया या खा गए बिरयानी बना के, ऐसा कुछ नहीं है? अंडा खाया मुर्गी नहीं गया। अच्छा अंडा खाया मुर्गी नहीं गई। अच्छा हमको सिखा रही है अंडा खाया जो देखी गया था। अच्छा इस जगह को अंडा मोड़ क्यों कहा जाता है? ये पहले ये अंडों का फार्म था। अच्छा अंडों का फार्म था फार्म नहीं था, फार्म था, ठीक हो गया। उसके बाद अंडों का फार्म था इसलिए उन्होंने अंडा मोड़ रख दिया। अंडा आओ दिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, ऐसा ही है ठीक है। इस वजह से कि अंडा मोड़ नाम रख दिया गया। अंडा मोड़, हमने सुना कि एक यहाँ मुर्गी आती थी और वो अंडा दे के आती थी रात को रात, ऐसा कुछ था? मुर्गी को अंडा देता हुआ देखा? देखा नहीं, रात को देके निकल जाती थी। रात को देके निकल जाती थी, रात को देके निकल जाती थी, कुड़क होके आती थी। ये कुड़क कहाँ से होके आती थी? ये भुट्टो से। भुट्टो से? भुट्टो कॉलोनी से। भुट्टो कॉलोनी से? भुट्टो कॉलोनी में ऐसा क्या होता है भाई? वहाँ मुर्गे है ना। मुर्गे कितने मुर्गे? काफी मुर्गे। भाई भुट्टो कॉलोनी में मत जाना, वहाँ पे मुर्गे बहुत है, जाओगे तो कुड़क होके आओगे। अच्छा वहाँ से कुड़क आके अंडा यहाँ क्यों देती थी? वहाँ क्यों नहीं देती? क्योंकि इस जगह का नाम अंडा मोड़ था, इसलिए मैं अंडा देना शुरू कर दिया। ठीक है बहुत शुक्रिया।